अस्सलाम वालेकुम। आज की पीडब्ल्यूडी डेली न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इकरा शाबान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ल्यूमिनस। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको आगाह करते हैं, हमें बेशुमार माहौलियाती मसाइल का सामना है। सेहतमंद और खुशगवार कल के लिए हमें आज ही इकदाम उठाने की ज़रूरत है। मतवासन कल के लिए हमें क्या इकदाम उठाने जा सकते हैं, इस हवाले से आपको सुनवाते हैं डिस्ट्रिक्ट पापोलेशन वेलफेयर ऑफिस जंग की जानिब से जारी करदा ये आगाही पैगाम, मुलाहिसा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। यौम माहौलियात के दिन आइए मिलकर हमारे प्यारे स्यारे यानी ज़मीन की हिफाजत का अहद करें। एक साफ़ सुथरे और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए हमें आज ही से इकदामात करने होंगे। दरख्त लगाएं, आलूदगी कम फैलाएं और कुदरती वसाइल की कदर करें। शुक्रिया। छोटा ख़ानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। हम अपने माहौल को किस तरह साफ सुथरा और सेहतमंद रख सकते हैं, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट जंग मोहम्मद आमिर सलीम के इस आगाही पैगाम में, मुलाहिसा कीजिए। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद आमिर सलीम, फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब की तरफ से मुखातिब हूँ। मेरा आज का मौजू माहौलियाती डे के हवाले से है। माहौल वह जगह, चीज़ें और फितरत है जो किसी भी जानदार को घेरे हुए है। यह कुदरती और इंसानी साख्ता का मजमूआ है जो कि हमारी बुनियादी ज़िंदगी को सपोर्ट करता है। अब तक प्लास्टिक का 91% रिसाइकल नहीं किया गया। इसे गलने में तकरीबन 400 साल लगते हैं। सालाना तकरीबन 70 लाख अफराद फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, फेफड़ों के कैंसर या फिर सांस की बीमारियों की वजह से। सवाल इस बात का है कि हमने अपने माहौल को कैसे साफ रखना है और ऐसी क्या तब्दीली लाएं कि फ़िज़ाई आलूदगी से छुटकारा हासिल हो जाए और हमें पुरसकून और खुशगवार माहौल मुयस्सर हो जाए। सबसे पहले हमें अपने माहौल को साफ रखने के लिए गंदगी फैलाने वाली चीज़ों से इज्तनाब करना होगा। मसलन प्लास्टिक आइटम के बैग्स वगैरह, अपने इर्द गिर्द गंदगी के ढेरों को ठिकाने लगाना होगा। माहौल को साफ रखने के लिए हर फर्द को खुद पे जिम्मेदारी लेना होगी। सबसे बढ़कर हमें मुस्बत सोच अपनाते हुए मुतवादन ख़ानदान की तश्कील नौ करना होगी, यानी वसाइल के मुताबिक ख़ानदान रखना होगा। क्योंकि हर साल आबादी में इजाफा और खुली ज़मीन की मांग की वजह से दरख्त और जंगलात काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। वसाइल की कमी और आबादी में इजाफे की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, मौसमियाती तब्दीली और बुनियादी तौर पर बेरोज़गारी जैसे मसाइल जन्म ले रहे हैं जो कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी है। लिहाजा मेरे तमाम सुनने वाले सामईन से गुजारिश है कि अपने और अपने बच्चों के लिए मुस्बत सोच अपनाते हुए अपने बच्चों का तयन वसाइल के मुताबिक रख कर अपने ख़ानदान की बुनियाद रखें, ताकि आप अपने और अपने मुल्क पाकिस्तान के माहौल को खुशगवार और पुरसकून और फ़िज़ाई आलूदगी से पाक करने में अपना किरदार अदा कर सकें। छोटा ख़ानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। ये थी आज की हमारी अहम तरीन खबरें। आपसे मुलाकात होती है एक और बुलेटिन के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।